हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। द टॉपिक इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर है नीचे से, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेती है और आगे पास ऑन करती है डेटा लिंक लेयर की। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटीज क्या है, दिस इज वॉट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। मतलब अगर मेरे पास सोर्स की मशीन है, सोर्स का जो मशीन में ये सारी लेयर्स वहां पे वर्क कर रही हैं, लेकिन नेटवर्क लेयर कैसे मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है, नेटवर्किंग में कैसे इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या रोल्स है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, या हम इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी बोल सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, या फिर मशीन टू मशीन डिलीवरी भी बोलते हैं इसको, मशीन टू मशीन डिलीवरी। मतलब सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैसेज पहुंचाने की, नेटवर्क लेयर की। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। यहां पर मैंने एक नेटवर्क ए लिया है, एक नेटवर्क मेरे पास बी है। नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी में लेट्स से कि यहाँ पे अलग अलग टॉपोलॉजीज यूज की हैं। यहाँ पे मैंने टॉपोलॉजी यूज की है हब, यहाँ पे टॉपोलॉजी यूज की है बस। अब नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउ अ मशीन इन अ डिफरेंट नेटवर्क कैन कम्युनिकेट अ मशीन इन डिफरेंट नेटवर्क। मतलब यहाँ पे एक मशीन है लेट्स से A2 वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद B2। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो A2 और B2 के बीच में नहीं होगा। मतलब इनको एक चैनल, इनको एक मीडिया के थ्रू ही मैसेज भेजना पड़ेगा। तो लेट्स से कि ये वो मीडिया है। अब A2 से मैसेज सबसे पहले R1 पे पहुंचेगा, R1 से वो R2 पे पहुंचेगा और R2 से वो B2 के ऊपर पहुंचेगा। तो A2 से R1 तक मैसेज पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक लेयर की, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि नोड टू नोड डिलीवरी पे काम करती है। लेकिन यहां पे हम नोड टू नोड डिलीवरी नहीं है, यहां पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। वो कैसे परफॉर्म करती है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या मशीन टू मशीन डिलीवरी, बाय यूजिंग द एड्रेसेस। द एड्रेसेस आर नोन एज लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम IP एड्रेसेस भी बोलते हैं, IP एड्रेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी परफॉर्म कैसे करती है, बाय यूजिंग द लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मींस, लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज अ नेटवर्क ID, अनदर इज अ होस्ट ID। मतलब उसमें दो चीजें हमें मेजर पता लगती हैं एक आईपी एड्रेस से, कि आईपी एड्रेस में नेटवर्क एंड होस्ट, होस्ट मतलब मशीन। आईपी एड्रेस से मुझे पता लग जाएगा कि जो मैसेज भेजना है वो मैसेज किस नेटवर्क में भेजना है, और उस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर किस मशीन पे वो मैसेज भेजना है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस कौन यूज करता है, नेटवर्क लेयर यूज करती है मैसेज को भेजने के लिए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। मतलब मैसेज इन बिटवीन कैसे पास ऑन हो रहा है, ये डेटा लिंक लेयर का काम है, नेटवर्क लेयर का काम है कि A2 से B2 पे मैसेज पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, बाय यूजिंग द आईपी एड्रेसिंग, जहां पे A2 अपना सोर्स का आईपी एड्रेस देगा और साथ में उसी मैसेज में डालेगा B2 का IP एड्रेस। अब ये IP एड्रेसेस कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। बस यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IP एड्रेस को यूज करके होस्ट टू होस्ट डिलीवरी को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि IP एड्रेस से मुझे पता लग जाता है कि नेटवर्क कौन सा है और उस नेटवर्क में होस्ट कौन सा है। द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर इज राउटिंग। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राउटिंग में पहले मैं यहां पे मेथड लिख देता हूं, देयर इज अ RIP मेथड, OSPF मेथड, दीज आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दीज आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू डू द राउटिंग।
अब आरआईपी में भी अलग अलग है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करते हैं हम या लिंक स्टेट राउटिंग यूज करते हैं जो फुल फ्लेज प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो मैसेज सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन पे जा रहा है वो क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। और ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑल द अदर पीपल, ऑल पीपल कैन यूज देयर ओन प्रोटोकॉल, मतलब हमारे अपने खुद के प्रोटोकॉल्स बना के हम मैसेज को डिलीवर करेंगे लेकिन उससे क्या होगा कि मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स चाहिए ताकि सोर्स भी वही प्रोटोकॉल को यूज करे, डेस्टिनेशन भी वही प्रोटोकॉल यूज करे, सो दैट कम्युनिकेशन विल बी फास्ट, इट विल बी कन्वीनियंट, इट विल बी एफिशिएंट। अब यहाँ पे राउटिंग का मतलब क्या है, जब A2 से मैसेज R1 पे पहुंचेगा, सबसे पहले मैसेज इस राउटर पे आया, तो ये राउटर डिसाइड करेगा, ये राउटर जो है ये मशीन डिसाइड करेगी कि जिस जगह पे मैसेज भेजना है वो कैसे रूट करना है, मतलब रूट का मतलब हमने पाथ डिसाइड करना है। यहाँ पे हो सकता है ये राउटर आगे फर्दर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया है इंटरनेट का, इंटरनेट मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ये मैंने सारे अलग अलग टाइप के अगर नेटवर्क्स हैं तो एक राउटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक या दो नेटवर्क से, वो मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। तो ये पैकेट किस राउटर पे भेजना है, लेट्स से R2 पे भेजना है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग द राउटिंग। और हम ट्राई करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें ताकि जो मेरा मैसेज है वो जल्दी से जल्दी जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं राउटर, राउटर यहां पे यूज कर रहा हूं वर्ड बिकॉज राउटर जो है वो एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे हम राउटर्स को भी यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम ब्रिजेस को भी यूज कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर पे हम स्विचेस को भी यूज कर सकते हैं, फायरवॉल्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे यूज होता है वो है राउटर्स एंड स्विचेस। मतलब हर राउटर में ये तीन लेयर्स होंगी ही होंगी, लेकिन जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में हम बेसिकली बात करते हैं किस डिवाइस की, ब्रिजेस की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राउटर की। तो राउटर इतने इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं कि जो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब यहां सोर्स ने तो मैसेज भेज दिया, सोर्स ने बोल दिया कि मैसेज मेरा बी2 के पास पहुंचे, उसने बोल दिया कि इस मैसेज इस राउट से पहुंचे, इस रूट से पहुंचे, लेकिन यार उसके बाद मैसेज तो R1 के पास आएगा ना, तो राउटर को डिसाइड करना है कि बेस्ट रूट कौन सा है। तो राउटर के पास इतनी इंटेलिजेंस है, कैसे है वो, बिकॉज उसके पास राउटिंग एल्गोरिदम्स काम करते हैं। तो क्यों, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है वो राउटर्स पे भी काम करती है, तो राउटर डिसाइड करेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है, फिर R2 डिसाइड करेगा बेस्ट पाथ कौन सा है, दैट इज कॉल्ड द राउटिंग। दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। सो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, राउटिंग लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हेनेवर वी सेंड अ पैकेट, क्योंकि हम नेटवर्क लेयर पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है पैकेट। यहां पे हम यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग, मतलब यहां पे हम स्विचेस को भी यूज करते हैं नेटवर्क लेयर पे। स्विचेस भी बहुत इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं। अगर स्विचेस नहीं होंगे यहां पे तो मेरे पास बहुत सारी वायर्स के थ्रू, मतलब मैश टोपोलॉजी में जैसे बहुत सारी वायर्स को हम यूज करते हैं, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मेरे को बहुत सारी वायर्स को यूज करना पड़ेगा, तो स्विचेस क्या करते हैं उन वायर्स को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्विचेस को भी यूज कर सकते हैं। तो जब ये पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वहां पे मुझे फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। फ्रेगमेंटेशन क्यों जरूरत पड़ती है, लेट्स से होस्ट ने मैसेज भेज दिया डेस्टिनेशन को, लेकिन वो मैसेज गया सबसे पहले R1 राउटर के पास। अब R1 राउटर, लेट्स से वो मैसेज भेज रहा है किसी और राउटर के पास, किसी और राउटर के पास मैसेज भेज रहा है। अब उस राउटर की अपनी एक कैपेसिटी हो सकती है, कैपेसिटी मींस कि वो कितने साइज का पैकेट एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे इथरनेट में हम CSMA CD इथरनेट में 1500 बाइट का मैसेज जो है वो मैक्सिमम एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अगर मेरा मैसेज का साइज बहुत बड़ा है, मतलब मेरा पैकेट का साइज ज्यादा बड़ा है, तो फिर वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब इंटरमीडिएट नोड
विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द लार्ज पैकेट विच इज नॉट द, मतलब उसके जो बफर का साइज है वो कम है, पैकेट का साइज ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए राउटर क्या करेगा, वो सारा का सारा डेटा एक बार में नहीं भेजेगा, वो उसको मैसेज को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देगा, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना के जितने साइज का उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंट बना के और डेटा को फर्दर पास ऑन कर देगा। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम डिटेल्स में फर्दर चेक करेंगे। दिस इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर। देयर इज वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्दो इट इज नॉट वेरी यूज्ड, कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल नेटवर्क लेयर में हम कंजेशन की बात करते हैं, लेकिन कंजेशन जो है बेसिकली यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कंजेशन को कंट्रोल करना। मतलब कंजेशन मतलब नेटवर्क को हो सकता है कि हमने पूरा ही भर दिया, मतलब नेटवर्क की जो एक कैपेसिटी है कि मैं कितने पैकेट्स को फर्दर ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर मैं नेटवर्क को पूरा पैकेट से भर दूं, मतलब सारे नोड्स एक बार में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैकेट्स भेज देंगे, तो नेटवर्क जो है वो पूरा मैसेज से ही भर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द कंजेशन सिचुएशन। अब इस कंजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं हम नेटवर्क लेयर पे, कंजेशन कंट्रोल कमी हैंडल करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल के लिए हमारे पास लीकी बकेट मेथड यूज करते हैं हम, या टोकन बकेट मेथड यूज करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कंजेशन को कंट्रोल करते हैं, या यहाँ पे हम ICMP या IGMP प्रोटोकॉल्स को भी यूज करते हैं, जो मतलब मैसेज जो है अगर जा रहा है और उस मैसेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो राउटर जो है सोर्स को एक्नॉलेज भेजता है कि यार इस मैसेज में प्रॉब्लम है, या अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से भेज रहा है तो ICMP पैकेट भेज देते हैं उसको कि अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी कम करो, मैसेज भेजने की स्पीड को कम करो। ICMP IGMP के बारे में भी हम फर्दर डिटेल्स में बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नेटवर्क लेयर की ऑन एन एवरेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है। सो दीज आर दी मेजर रोल्स ऑफ द नेटवर्क लेयर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी विच इज डन बाय यूजिंग द IP address. So this is all about the network layer. Thank you.